अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, आप देख रहे हैं सदीक आटो वाला। शुरू करते हैं अल्लाह के बाप बरकत नाम से जिसने आपको हमें इस कायनात को बनाया। शुरू करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों की हाजतों को, ज़रूरियात को और आप सबके माल और जान के अंदर बरकतें अता फरमाए। दोस्तों आ गया हूँ पहली राइड को लेने के लिए और आज देखेंगे कि आज हम काम कितना कर पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई खड़ा हुआ है फाइव स्टार चुरंगी पर, पहली सवारी जो है ना यहाँ पर छोड़ी है मैंने, ठीक है। यहाँ पर छोड़ने के बाद जो है अभी हमारे पास दूसरी सवारी भी आई हुई है, ये देखें। लेकिन सवारी से मैंने पैसे लेने हैं जिसकी वजह से मुझे देर हो रही है। हालांकि मेरे पास जो खुले पड़े थे यानी कि पैसे पड़े थे, मैं गैस डलवा के आ गया, अभी पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं जो है ना इसको बकाया दे पाता। तो अभी सवारी गई हुई अंदर, ये जैसे आएगी तो हम इससे पैसे लेंगे और इस सवारी के पास जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा या कैंसिल ना कर दे। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। भाइयों काम तो चलते रहेंगे, सबसे पहले आप सब दोस्तों को माह रमज़ान का 27वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहां से भी यानी कि वीडियो देख रहे हो, जिस मुल्क से भी देख रहे हो वीडियो, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है हौसला अफजाई के लिए उस जगह का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आज हमने जो है ना 3 राइडें कंप्लीट कर ली हैं और 11:50 हुए हैं, हम निकले हैं 11 बजे आज, क्योंकि रात को लेट हो गए थे तकरीबन 2:30 जो है ना हम सोए हैं और उसके बाद फिर जो है ना 4 बजे उठे हैं या 1.5 घंटा सोए हैं, फिर जो है ना तकरीबन 2-3 घंटे सोए हैं, फिर जो है ना अभी काम पे आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि आज हम काम भी कितना कर पाते हैं और आप लोगों के साथ बैक टू बैक शेयर भी करेंगे यार एक एक चीज़। मुझे बहुत जो है ना आप सब दोस्तों के साथ गप शप करते हुए मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों कराची की सबसे प्यारी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ और इसको आप यानी कि डिफेंस यानी कि दुबई वाला एरिया भी कह सकते हो, यानी कि कराची का डिफेंस हो गया। और बड़ी ही प्यारी ठंडी ठंडी जगहें, बहुत ही प्यारा माहौल बनाया हुआ है इस सोसाइटी के अंदर, माशाल्लाह यार देखो आप, बड़ा ही सुकून दे माहौल है। मैं यहाँ पर जो है ना बाहर निकलता हूँ। अच्छा अच्छा, सवारियों ने जो है ना हाथ दे दिया यार, बुला लिया है। मैं यहाँ पर जो है सवारी लेने के लिए आया हुआ था, ये देखें तो पीछे खड़ी हैं सवारियाँ। तो रमज़ान शरीफ है, रोज़ा होगा, उनको तंग नहीं करते जाते। दोस्तों आपके भाई ने 8 राइडें कंप्लीट कर दी हैं, 1600 रुपये की तकरीबन अर्निंग है और हम खड़े हुए हैं यूपी मोड़। माशाल्लाह बहुत ही कदीमी पुरानी मार्केट है। यहाँ पर जो है ना 2005 की बात है जब मैं आया था, तो ये जो सामने वाली जो जहाँ पे डॉलेंस लिखा हुआ है ना, डॉलेंस मैं करीब करके दिखाता हूँ आपको, ये डॉलेंस लिखा हुआ है। खाली ये वाली मार्केट जो थी ना, खाली ये वाली मार्केट होती थी, इसके बराबर में ये सारी जो है ना कच्ची कच्ची यानी कि छोटे घर हुआ करते थे, ये फ्लैटें वगैरह ये चीज़ें जो है ना बाद में बनी है, ठीक है। तो माशाल्लाह यानी कि इन 20 साल के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं कराची के अंदर। ये आप देखें इस साइड पे जो है ना कुछ भी नहीं होता था, खाली जो है ना ये एक जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, दुकान है यानी कि सिंगल मंजिला, इसी ये वाली बिल्डिंग हुआ करती थी और यहीं पे ही जो है ना एक साफ VIP माहौल बना हुआ होता था। आज देखो आप कराची को एक छोटा सा इलाका कितनी बड़ी जो है ना लग्जरी में बदल गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जगह आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस जगह पर। जो इस जगह को जानते हैं पुराने दौर से उनको तो पता होगा, वो लाइक ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों आपके भाई की 12 राइडें कंप्लीट हो गई हैं और मैं घूम रहा हूँ ब्लॉक 7 गुलिस्तान जौहर और बड़ा ही प्यारा माहौल, क्योंकि खुले इलाकों में जो ना रहने वाले हैं हम और ये वाला इलाका भी ऐसा ही है माशाल्लाह, बड़ा ही यानी तुम्हें रश नहीं मिलेगा, खुली खुली रोड है, बड़ी बड़ी रोड है और गलियां भी बड़ी बड़ी, सुकून दे सफ़र, बड़ा ही प्यारा माहौल है। और 13वीं राइड में लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दुआ करो कि आज हमारी जो है ना 17 राइडें कंप्लीट हो जाए मगरब से पहले पहले, ये 13वीं राइड है। तो देखते हैं इस राइड को छोड़ने के बाद जो है ना हमारी मगरब से पहले कितनी राइडें हो पाती हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी कर ली है और हम खड़े हुए जौहर मोड़, ठीक है। और हमने 14 सवारियां की हुई हैं, अभी 3 सवारियां और करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह जो है ना 9 बजे से पहले पहले हो जाएंगी सवारियां। आपका भाई जो है ना यहाँ से सीधा जाएगा, मैं जाऊँगा नीपा की तरफ, यहाँ गुलिस्तान जौहर के अंदर काम नहीं है मज़ेदार।